नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। अब समय हो चला है दोपहर की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उदयपुर से है, जहां पीआईएमएस इंस्टीट्यूट पर सीबीआई का छापा पड़ा है। सूत्रों के अनुसार सीबीआई एक पीजीसीटी के मामले को लेकर इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। बता दें, इस कार्यवाही में सीबीआई के 6 अधिकारी शामिल हुए हैं। वहीं उदयपुर के पीआईएमएस इंस्टीट्यूट में कुछ दिन पहले एमसीआई इन्फेक्शन किया गया था, और उसके बाद अब सीबीआई की कार्यवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार सीबीआई पीजीसीटी के मामले को लेकर यह कार्रवाई कर रही है। चित्तौड़गढ़ में सांवलिया मंदिर मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत भासोड़ा के सरपंच शंभूलाल सुधार को मंदिर मंडल में सदस्य बनाया गया। बता दें, सुधार के बाद सोड़ा से पहली बार सांवलिया मंदिर मंडल में सदस्य बनने की खुशी में ग्रामीणों ने कस्बे में डीजे के साथ जुलूस निकाला। इस दौरान सांवलिया मंदिर में सदस्य शंभूलाल सुधार का स्वागत किया गया। भिवाड़ी त्रेहान सोसाइटी टपुकड़ा में 40 फीट की शिव मूर्ति व 9 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस दौरान त्रेहान सीएमडी सारांश त्रेहान ने बताया कि मुख्य अतिथि तिजारा विधायक संदीप यादव द्वारा फीता काटकर 40 फीट की शिव मूर्ति का अनावरण किया गया। वहीं शिव मूर्ति की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उसके बाद 9 फीट के सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया। बता दें, इस दौरान अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। टपुकड़ा सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। बता दें, ये कार्यक्रम तिजारा विधायक संदीप यादव द्वारा किया गया। इस दौरान टपुकड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनोद विजय ने कहा कि होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कोविड-19 रोगियों की चिकित्सा सहायता और देखभाल के लिए राजस्थान व हरियाणा राज्य सरकारों के सहयोग से 50 बिस्तरों की क्षमता वाला आइसोलेशन केंद्र को स्थापित किया है। वहीं इस क्रम में टपुकड़ा सीएचसी में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र बनाया गया है, जिसमें रोज 47 लीटर की क्षमता वाले 25 से 30 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। जिले में अवैध कारोबारियों को बंद कराने के लिए लगातार पुलिस अधीक्षक क्षेत्र में कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने जिले में कार्यवाही करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि शहर में गांजे की तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने आरोपी के पास से 20 किलो गांजा जब्त किया। वहीं दूसरे आरोपी के घर से 80 किलो गांजा जब्त किया गया है। बता दें, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। तिजारा विधायक संदीप यादव की अभिशंसा से तिजारा विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य कराए जाने पर टपुकड़ा कस्बे वासियों ने विधायक संदीप यादव का जोरदार स्वागत किया। वहीं यादव का विभिन्न संगठनों व व्यापारियों एवं भारत विकास परिषद टपुकड़ा द्वारा माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। बता दें, स्वागत कार्यक्रम में टपुकड़ा के आसपास सहित तिजारा के समस्त सरपंचगण पार्षद व पूर्व सरपंच सहित हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। देवतला स्थित ब्राह्मण मोहल्ले की एक महिला ने उप सरपंच एवं वार्ड पंच के खिलाफ मोर्चा खोला है। बता दें, महिला ने अपने पैतृक भूखंड में ग्राम पंचायत ने नल कनेक्शन की एनओसी देने पर उप सरपंच एवं वार्ड पंच के द्वारा महिला के पैतृक भूखंड को लावारिस बताकर झूठी शिकायतें करने के मामले में महिला ने शिकायत की है। वहीं महिला ने पंचायत समिति प्रधान एवं पुलिस थाना प्रभारी से शिकायत पर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस दौरान गोविंदगढ़ पंचायत समिति प्रधान रामस्वरूप यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत देवथाला में एक महिला ने अपने भूखंड को लावारिस बताकर झूठी शिकायत करने वाले उप सरपंच वार्ड पंच के खिलाफ शिकायत की है। वहीं मामले की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वेर में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। भुसावर दीवली सलेमपुर घाटरी शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान लोगों ने गंगा जल से शिव का अभिषेक किया व नव विवाहितों ने आग धतूरा चढ़कर शिव को प्रसन्न किया। बता दें, इस अवसर पर श्रद्धालुओं की ओर से कहीं शिवालयों को सजाया गया तो कहीं पर भगवान भोलेनाथ का शिव विवाह जागरण किया गया।
फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वीएमआर भारत से।